तो कल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों को लेकर समझौता हो गया था। इसके तहत कांग्रेस को 17 लोकसभा सीटें देने का फैसला किया गया है। हम आपको बताते हैं कि 17 सीटों पर कौन कौन संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं। सबसे पहले रायबरेली की अगर बात करें तो यहाँ पर प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम चल रहा है। अमेठी में राहुल गांधी, अगर वो नहीं लड़ते हैं तो फिर दीपक सिंह यहाँ से उम्मीदवार हो सकते हैं। कानपुर की बात करें तो अजय कपूर यहाँ से संभावित उम्मीदवार हैं। फतेहपुर सीकरी से रामनाथ सिकरवार का नाम चल रहा है। वहीं बांसगांव से कमल किशोर कमांडो, इनका नाम भी चल रहा है। सहारनपुर की बात करें तो इमरान मसूद, ये बसपा से होते हुए सपा होते हुए अब कांग्रेस में आए हैं। संजय तिवारी का नाम चल रहा है प्रयागराज से, और अगर उन्हें नहीं मिलता है तो अनुग्रह नारायण सिंह का नाम भी यहाँ से चल रहा है। महाराजगंज की बात करें तो सुप्रिया शिंदे, जो कि प्रवक्ता हैं, साथ ही यहाँ से पहले भी चुनाव लड़ चुकी हैं, उनका नाम चल रहा है। वाराणसी से पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ या तो राजेश मिश्र या फिर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय, ये उम्मीदवार हो सकते हैं। अमरोहा की बात करें तो यहाँ से जो बीएसपी के मौजूदा सांसद दानिश अली अब कांग्रेस के साथ आ गए हैं, वो उम्मीदवार हो सकते हैं। झांसी की बात करें तो प्रदीप जैन, जो कि यूपीए सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, उनका नाम झांसी से चल रहा है। बुलंदशहर की बात करें तो प्रशांत वाल्मीकि, अमरीश गौतम या फिर शिवराम वाल्मीकि में से किसी एक को यहाँ टिकट मिल सकता है। गाजियाबाद में कांग्रेस की जो प्रवक्ता हैं डॉली शर्मा, इनका नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। वहीं मथुरा में प्रदीप माथुर और सीतापुर में राकेश राठौड़ का नाम चल रहा है। बाराबंकी की बात करें तो तनुज पुनिया का नाम यहां से चल रहा है कांग्रेस में, और देवरिया से अजय कुमार लल्लू या फिर अखिलेश प्रताप सिंह, इन दो में से किसी एक को कांग्रेस मैदान में उतार सकती है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ विकास भदौरिया हैं, हमारे सहयोगी और साथी मनोरंजन भारती। विकास, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगा, आपकी ये जानकारी है जो आपने संभावित उम्मीदवारों के नाम बताए हैं, क्या समीकरणों का ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि इनमें कई ऐसे हैं जो पहले भी चुनाव लड़े हैं कांग्रेस की टिकट पर लेकिन हार गए। जी हाँ, बिल्कुल, देखिए, लेकिन उसके बावजूद उन पर दोबारा से किस्मत आजमाना चाहती है, और ये संभावित उम्मीदवारों की सूची वो इस बात की ओर भी इशारा कर रही है कि ये जो उम्मीदवार संभावित उम्मीदवार हैं ये कहीं ना कहीं बीजेपी के, माफ़ कीजिएगा, कांग्रेस के कुछ खास नेताओं के बेहद करीबी हैं, और इसलिए शायद उनको समाहित करने के लिए, अपने जो गुटबाजी है उसमें इस गुट को और मजबूत करने के लिए इनको फिर से टिकट देने की उम्मीद जताई जा रही है। देखिए, सुप्रिया सिनेट कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, मजबूत नेता हैं, संगठन में भले उनकी अच्छी पकड़ हो लेकिन पिछला चुनाव वो बहुत बुरी तरह हारी थी। ऐसी सूरत में उनको पार्टी एक बार फिर से अगर उतारती है तो जाहिर तौर पर वहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की उच्च स्तर पर जो गुटबाजी है उस गुट में किसी एक खास गुट के करीबी होने की वजह से संभवतः उनको ये टिकट मिलेगा। तो ये पूरी ये फहरिस्त इस बात की ओर इशारा करती है कि जो कांग्रेस का नेतृत्व है वो वहाँ पर अपनी सीटें जीतने के बजाय गुट में जो गुटबाजी है कांग्रेस की अंदरूनी, उसमें जो करीबी लोग हैं उनको टिकट दिलाकर मैदान में एक बार फिर से उतारना चाहती है अखिलेश जी। मनोरंजन, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे समझेंगे कि एक ज़माने में ज़्यादा वक्त नहीं हुआ कि जब यूपी से ही कांग्रेस को 22 सीटें मिली थी, तो 22 सीटें जीतने वाली अब 17 सीटों पर केवल लड़ रही है, और वो भी जूनियर पार्टनर बन करके, और जैसा विकास बता रहे हैं कि चूंकि अंदरूनी खींचतान है और गुटबाजी है, खेमेबाजी है, इसलिए अपना व्यक्ति जो है वो उम्मीदवार हो, तो ये समीकरण क्या ध्यान में रखे जा रहे हैं, क्या जिताऊ उम्मीदवार हो ये सोचा जाएगा, या फिर ये कि कौन किसका कितना करीबी है? हाँ, निश्चित रूप से, देखिए, एक वक्त था कि 2009 में जो है कांग्रेस के पास जो है वहाँ से 22 विधायक थे, अब 22 सांसद थे, लेकिन आज हालात ये हैं कि 17 सीट पर जो है वो डील डन करना पड़ा है। लेकिन आपको एक जानकारी दे देता हूँ चादी चादी, उसके बाद बताऊँगा। जो मेरी जानकारी है कि जो कि रायबरेली से राहुल गांधी लड़ेंगे और अमेठी से प्रियंका गांधी लड़ेंगी, लड़ सकती हैं, ये जो सूत्रों के हवाले से मैं आपको बताऊँ, क्योंकि रायबरेली में यदि आप वोटों का अंतर देखें तो करीब, एक बार फिर से इसको दोहरा दीजिए, ये बड़ी खबर आप बता रहे हैं। जी, मैं मेरे जो सूत्रों के हवाले से जो मुझे जानकारी मिली है कि जब ये कहा गया कि रायबरेली और अमेठी दोनों कांग्रेस के खाते में है, और जब ये भी कहा गया कि प्रदेश अध्यक्ष कहा कि ये दोनों गांधी परिवार की सीटें हैं, तो ये हुआ कि कौन कहाँ से लड़ेगा। तो जो मुझे बताया गया, जो मुझे पता चला है कि राहुल गांधी स्मृति ईरानी के साथ नहीं लड़ना चाहते हैं, वो रायबरेली की सीट लड़ना चाहते हैं, और अमेठी की सीट प्रियंका गांधी लड़ सकती हैं, ये संभावना बनती दिख रही है। दोनों जगह कांग्रेस ने सर्वे कराया है, उनका कहना है कि बड़ा नाम नहीं उतार रही, जैसे स्मृति ईरानी को आखिरी मौके पर उतार दिया था वैसे ही कोई बीजेपी में जा सकती है।
जरूर दे सकती है, लेकिन जो उनके उनका सर्वे उनको उनका कहना है कि 60% लोग जो है कहते हैं कि गांधी परिवार से टिकट दें। हाँ, यंग वोटरों में उतना उत्साह नहीं है, लेकिन 40 के प्लस के उम्र वाले वोटर जो अभी भी चाहते हैं कि गांधी परिवार से हो। और उसकी वजह रायबरेली की सीट की वजह यह है कि सोनिया गांधी को पिछले लोकसभा चुनाव में 55.8% वोट मिले थे, अब बीजेपी के कैंडिडेट को 38.4% वोट मिले थे, पौने 3 लाख के मार्जिन से सोनिया गांधी जीती थी, जबकि अमेठी में 50,000 की मार्जिन से राहुल जो है हार गए थे। तो इसको देखते हुए वहाँ भी पॉइंट में जो है वो जो है वो अंतर था, तो उसको देखते हुए ये अरेंजमेंट की बात चर्चा चल रही है। विकास के पास जाना चाहता हूँ, विकास ये कार्यक्रम करके कर रहे हैं, रोज बता रहे हैं कि संभावित उम्मीदवार कौन हो सकता है। अब विकास, जबकि मनोरंजन ये कह रहे हैं कि रायबरेली से राहुल लड़ सकते हैं और अमेठी से प्रियंका लड़ सकती हैं, तो ऐसे में रायबरेली में आपको लगता है कि बीजेपी किसे सरप्राइज उम्मीदवार उतार सकती है? ये देखिए, अगर ऐसी स्वैपिंग होती है कि अमेठी के बजाय रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव लड़ने जाते हैं, तो आप 100% लिख के रख लीजिए अखिलेश, फिर रायबरेली से स्मृति ईरानी ही उम्मीदवार होंगी और एक बार फिर से वहाँ पर राहुल गांधी जिस मुकाबले से बचना चाहते हैं उसी मुकाबले को आप ज़मीन पर देखेंगे। और इस बीच मैं आपको बता दूं, केवल अमेठी नहीं, रायबरेली भी लगातार स्मृति ईरानी जाती रही हैं, वहाँ सड़कों से लेकर अस्पताल, कलेक्ट्रेट भवन, सब हर और स्मृति ईरानी के आपको विकास के कार्य वहाँ पर दिख जाएंगे। और चूंकि दोनों इलाके इतने एडज्वाइनिंग हैं, आप भी कई बार गए होंगे अमेठी रायबरेली, कि दोनों के बीच सीमा कहाँ पर है अंतर करना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये बात तय है कि अगर अमेठी के बजाय राहुल गांधी रायबरेली लड़ने जाएंगे तो स्मृति ईरानी फिर 100% रायबरेली से चुनाव मैदान में होंगी। ये बहुत दिलचस्प तस्वीर होने जा रही है। बहरहाल शुक्रिया आपका विकास, हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनोरंजन, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद विस्तार से समझाने के लिए कि कांग्रेस की क्या रणनीति हो सकती है।